उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बेलथरा रोड नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के रेणु गुप्ता पत्नी दिनेश कुमार गुप्ता नवनिर्वाचित चेयरमैन को मिला है। रेणु गुप्ता नगर पंचायत के जनता से यह वादा कर रही है कि अगर वह चेयरमैन बनी तो निश्चित ही सारे अधूरे कार्य पूरा करेंगे। मैं दिनेश कुमार गुप्ता निवर्तमान चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड। आज हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती रेणु गुप्ता जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन का यह कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग के यशस्वी सांसद रविंद्र कुशवाहा जी मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने आज विधिवत पूजन अर्चन कराने के बाद फीता काट के उद्घाटन किया है। हमने जो काम किया है, जो विकास किया नगरवासियों के लिए, जो हमने सुविधाएं दिया है और नगर हित के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, अब आगे जो काम बचे हुए हैं, जो छूटे हुए हैं, जो कोरोना काल से प्रभावित है, जिन वार्डों में सड़कें नहीं बनी हैं, जहां पर काम नहीं हुए हैं, जहां पर टूटे फूटे सड़कें हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग बनाएंगे। और श्रीमती रेणु गुप्ता घूम रही है, घर घर जा रही है, समस्याएं सुन रही है और समस्याएं नोट भी कर रही है, और ये खुद नगर की जनता से वचन देकर आ रही है कि हमको एक बार जिताइए और 3 महीने के अंदर आपका गली बनवाऊंगी। ऐसा हम लोगों का भी काम होगा आने वाले दिनों में, जिस तरह विकास की रफ्तार चली है उसको और तेजी से बढ़ाने का काम श्रीमती रेणु गुप्ता के नेतृत्व में किया जाएगा। विपक्षी का काम है बिलबिलाना, और 2014 में जब मोदी जी आए, उसके बाद 2017 में योगी जी आए, और फिर उसका पुनरावृत्ति हुआ 2019 में, फिर मोदी जी आए और 2022 में फिर योगी जी आए। उसी तरह मेरा 2022 में, फिर 2012 में मैं आया, और विकास के नाम पर 2017 में मैं आया, और फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है इस बार। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है कि नगर के विकास कैसे सरकार करी, कैसे चिंतित है, छोटे छोटे नगरों के लिए सरकार कैसे चिंतित है और वहां पर विकास कैसे पहुंचेगा। इसके लिए इस बार विपक्षियों का कुछ नहीं चलने वाला है, सपा का सफाया है, बसपा के कैंडिडेट गायब है, और निर्दलीय जो लड़ रहे हैं पैसे के बल पर, और हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई दल लड़ नहीं रहा है, हमारे यहाँ तो कोई भी प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है, हमारे तरफ एक तरफा कमल के फूल की बयार चल रही है, क्योंकि जनता का विश्वास है योगी जी और मोदी जी पर और रेणु गुप्ता पर। बिल्कुल हमने पूरा किया है, बिल्कुल पूरा होगा। इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, सरकार ने खुद ध्यान देना चालू किया है। अगर किसी अन्य ने सपना सजोया होगा तो बिल्कुल वो पूरा नहीं होने वाला है। नगर की जनता ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। रेणु गुप्ता नगर पंचायत की भाजपा से प्रत्याशी हैं, क्या नगर की जनता सिखाना चाहती है? बस विकास किया है, विकास करेंगे, विकास करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जितने बार खाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जनता हमारे साथ है।